गांधी ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। आज का गांधी बिल्कुल दूर का एक सपना है, लेकिन उसी समय में इस पूरी यात्रा ने उस गांधी की परंपरा को एक अर्थ में जीवित किया है। बीजेपी ने जो तोड़ने की राजनीति की है, जो नफरत फैलाया है हिंदुस्तान की जनता के बीच में, तो उसे हम भारत जोड़ो यात्रा के तहत इसको जोड़ने चले हैं। गांधी जी की विचारधारा पे ही ये यात्रा चल रही है। आई थिंक गांधी जी वुड बी डूइंग एग्जैक्टली व्हाट राहुल गांधी जी इज डूइंग, वुड बी ऑन अ मार्च टू मोबिलाइज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंट्रीमैन टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर। जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर ही कर रहे हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। कांग्रेस पार्टी जो है वो सदैव से चली हुई है और आगे भी सत्य और अहिंसा के ही मार्ग पर चलेगी। राहुल जी ने जो ये कदम उठाया है नई पीढ़ी के लिए, कितना बड़ा संदेश है कि हम संस्कृति को अपने अंदर समावेश करके, जातिवाद को खत्म करके, भाईचारे की एकता को लेकर के वे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। गांधी जी ने कहा है कि अगर आपको अपनी खुद की पहचान चाहिए तो खुद को भूल के दूसरों की मदद करना सीखिए। मुझे कभी भी कोई निर्णय अगर लेना है तो हम उस अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए गरीब से गरीब और वंचित से वंचित व्यक्ति पर क्या असर होगा, अगर हम ये सोचें तो निश्चित रूप से हम समाज के साथ, इस देश के साथ एक अच्छा न्याय कर सकते। गांधी जी चाहते थे कि पहले हम अपने आप को बदलें, जब हम अपने आप को बदलेंगे तभी देश बदलेगा। उसी को कायम करने के लिए जो है हम ये पथ यात्रा जो है कर रहे हैं। वी नीड सेक्युलरिज्म, भारत जोड़ो, वी हैव टू जॉइन हैंड्स एंड ब्रिंग आवर चिल्ड्रन इन द माइंड ऑफ सेक्युलरिज्म सो दैट दे कैन ग्रो अप इनटू अ बेटर सिटीजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो जन आंदोलन उस समय था, ये भारत जोड़ो यात्रा कुछ वैसा ही कर रही है। राहुल गांधी में कहीं वो झलक है जो गांधी ने सपना दिखाया था।